हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुमा शाही किचन। मैं हूं हुमा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं क्रिस्पी प्रॉन्स फ्राई की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 600 ग्राम प्रॉन्स यानी कि झींगे, इसे श्रिम भी कहते हैं। तो हमने मार्केट से ऑलरेडी क्लीन पैक लिया है, आप देख सकते हैं हमारे प्रॉन्स बिल्कुल क्लीन है। वैसे मार्केट में ये कई तरह से मिलते हैं, इसके ऊपर शेल भी होता है जिसे हटाना बहुत इजी है। तो हमारे प्रॉन्स ऑलरेडी क्लीन है, हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले हमने लिए हैं 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत धनिया जीरा ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। आप चाहें तो 1/2 टीस्पून चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर, 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर। इसे डालने से बहुत अच्छे क्रिस्पी प्रॉन्स बनते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, आप 2 टेबल स्पून बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमने लिया है 1.5 टी स्पून लेमन जूस। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये बहुत अच्छे क्रिस्पी जूसी फ्राई होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखें। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने 1 कप ऑयल डाला है। चूल्हे को हमने मीडियम हीट पे ऑन कर दिया है और ऑयल गरम होते ही हम प्रॉन्स पीसेस फ्राई करेंगे। तो पूरी तरह से ऑयल गरम है, इस तरह से हम सारे पीसेस डालेंगे। एक बार में जितने पीसेस पैन में आ जाएंगे उतने ही पीसेस हमें डालना है, सारे एक साथ नहीं डालना है। और 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में ये बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं और पूरी तरह से फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं और बहुत क्रिस्पी हैं। अब हम इसे एक प्लेट में पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। बहुत क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और बहुत जूसी भी हैं ये अंदर से। इसी तरह से हम बाकी के पीसेस भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें मेरी रेसिपी को। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।